ताल तलैयों के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल की चर्चा इन दिनों एक रेलवे स्टेशन की वजह से खूब हो रही है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको उसी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन जब उस रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन करवा कर नया रूप दिया गया तो इसका नया नामकरण भी किया गया। भारत के इस सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, जो कि भोपाल की अंतिम गोंड हिंदू रानी थी। इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में कुल 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तो है ही, इसके साथ ही ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन भी है, जिसे बंसल ग्रुप ने बनाया है। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रेलवे स्टेशन का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन से लिया गया है। इसमें आने जाने वाले यात्रियों का एक दूसरे से आमना सामना नहीं होगा, यानी ट्रेन में उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों के रास्ते अलग अलग हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए दो अलग अलग गेट बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर पार्किंग शुल्क की हम बात करें तो टू व्हीलर में शुरुआत के 15 मिनट के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहता है। उसके बाद आपको शुरुआती 2 घंटे के लिए 10 रुपये और उसके बाद अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पर गुजारते हैं तो आपको 15 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा फोर व्हीलर की हम बात करें तो फोर व्हीलर को शुरुआती 15 मिनट जिसमें आप पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं उसमें आपको निःशुल्क रहता है और उसके बाद शुरुआती 2 घंटे के लिए आपको 20 रुपये चुकाने पड़ते हैं। वहीं 2 घंटे के बाद फुल टाइम के लिए आपको 40 रुपये चुकाने रहते हैं। ये आप वो टिकट हैं जिसे आप देख सकते हैं। इसमें शुरुआती 2 घंटे के लिए आपको महज 15 रुपये का चार्ज देना होगा। ऐसे में अब हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर ही रानी कमलापति के पूरे इतिहास के बारे में बोर्ड लगाकर बताया गया है। इसके अलावा अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। यात्रियों के सामान पूरी तरह से स्कैन करके ही आगे भेजे जाते हैं। इसके अलावा पूरे रेलवे स्टेशन में 160 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। इस पूरे रेलवे स्टेशन को 3 फ्लोर्स में बांटा गया है, जिनमें ग्राउंड फ्लोर पर टिकट काउंटर, क्लॉक रूम और शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम एस्केलेटर की मदद से 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। यहां पर कैफेटेरिया, डॉर्मेट्री और विश्राम कक्ष बनाया गया है। इसके बाद 3rd फ्लोर जिसे एयर कॉन्कोर्स का नाम दिया गया है, वहां पर पहुंचने पर हमें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहां पर फूड कोर्ट, वीआईपी लाउंज और किड्स कॉर्नर बनाया गया है, जहां पर कई बच्चे खेलते हुए भी नजर आते हैं। एयर कॉन्कोर्स को लेकर कहा गया है कि यहां पर एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं। कमलापति रेलवे स्टेशन से जुड़ी एक और चीज़ जो बतानी बहुत ही ज़रूरी है वो ये कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको महज 10 रुपये ही देने पड़ते हैं। महज का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता था, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 100 रुपये या 50 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर आपको अगर आप एक व्यक्ति हैं तो 10 रुपये देने पड़ते हैं, वो प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे के लिए ही मान्य रहता है। नाम बदलने के अलावा इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या परिवर्तन और बदलाव हुए हैं वो इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि कल की तारीख में या फिर कहें कि पहले ये रेलवे स्टेशन किस तरह का हुआ करता था और आज किस तरीके का है। स्टेशन परिसर के दृश्य के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो पहले कैसा था और आज कैसा कर दिया गया है। ये स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स का दृश्य है जो पहले किस तरह का था और आज कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको सामने दिख रहा ये नज़ारा स्टेशन न्यू वेस्ट साइड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर का है, जहां पर पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग में आप अंतर साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक ट्यूब कलर कवर ओवरसेट प्लेटफॉर्म भी आप
देख सकते हैं पुराना और नया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर जो पूर्वी टर्मिनल भवन बनाया हुआ है उसमें अंतर आप देख सकते हैं, पहले किस तरीके का था और आज किस तरीके का है। ये बोर्डिंग लॉबी, ट्रेवलेटर, एक्सीलेटर और सभी प्लेटफॉर्म पर रेलिंग के साथ सीढ़ी जो बनाई गई है पहले वाली और आज वाली, हवादार और रोशन एयर एनकोर्स में भी आप अंतर साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म, टर्मिनल बिल्डिंग और एयर कॉन्कोर्स पर पूरी तरह से 100% कवर ओवरसेट बनाया गया है। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल ट्रेवलेटर और सभी प्लेटफॉर्मों पर रेलिंग के साथ सीढ़ी बनाई गई है। ये पहले का नज़ारा और आज का, यानी कल में पुराना नज़ारा है ये इस रेलवे स्टेशन का, और आज का जो आपको ये सामने नज़ारा दिख रहा है ये परिवर्तन करने के बाद का है। स्टेशन परिसर का ये खूबसूरत नज़ारा आप देखिए, पुराने बिल्डिंग भवन में और वर्तमान वाले में। ये पूर्वी टर्मिनल भवन और व्यापक सर्कुलेटिंग एरिया का नज़ारा आपको सामने दिख रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाले यात्री सबवे हैं, जो पहले किस तरीके के थे जब निर्माणाधीन थे और आज वर्तमान की तारीख में किस तरीके के हो गए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देखेंगे सबसे बड़ा जो आपको अंतर देखने को मिलेगा वो इन्हीं दो फोटोज़ में देखने को मिलेगा। स्टेशन परिसर का दृश्य पहले काफ़ी एक तरीके से कहेंगे काफ़ी पुराना नज़र आता था, लेकिन आज पूरी तरह से कवर्ड, 100% ओवरसेट से कवर्ड ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाई पड़ता है। यहाँ से आने जाने के लिए एस्केलेटर, सीढ़ी और लिफ्ट तीनों की ही व्यवस्था की गई है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने मनचाहे प्लेटफॉर्म पर पहुँच सके। सभी प्लेटफॉर्म्स पर साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां से उतरने वाले यात्रियों के बाहर जाने के लिए दो सबवे बनाए गए हैं, जिनमें से एक सबवे गेट नंबर 1 की तरफ जाता है तो दूसरा सबवे गेट नंबर 2 की तरफ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सबवे में 1100 लोग एक साथ निकल सकते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार की तरफ एक शॉपिंग मॉल और कॉरपोरेट बिल्डिंग का काम भी किया जा रहा है। इसमें फिल्मों के शौकीन यात्री और बाकी के लोग सिनेमा का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लेक्स बनाया जा रहा है। इसी के साथ मॉल, होटल, कॉरपोरेट दफ्तर भी बनाए जाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को सिंगल पॉइंट फैसिलिटी वाला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यात्रियों को इस स्टेशन पर ट्रेन, बस और मेट्रो का टिकट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर, फूड जोन, अस्पताल, ऑफिस और 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली है।